सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोनो जीरो इरेजर के बारे में, जो कि हम बेसिकली हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करेंगे पहले शेडिंग को इरेज करेंगे और फिर ब्लेंडिंग को इरेज करके देखेंगे कैसे इरेज होता है। तो चलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट। मैंने शेडिंग कर ली है मैकेनिकल पेंसिल से। यहाँ पर फिर से हम मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग करेंगे और यहाँ पर ब्लेंड करके रिजल्ट टेस्ट करेंगे। इसलिए अब शेडिंग करेंगे, 6 पीस है फैब्रिक का, सेल्फ ब्लैक मार्ट है। तो चलिए इसे शेड करते हैं। सेम यहीं पर करेंगे। और अब सबसे डार्क पेन भी पेंसिल, क्योंकि मेरे पास कैमलिन की है, तो इससे भी सेट करते हैं। सेम यहाँ पर भी करेंगे। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। चलिए अब इस साइड वाली शेडिंग को ब्लेंड करके कर लेते हैं। मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ करूँगा, जो कि मेकअप ब्रश है। पेन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ब्लेंडिंग की शेडिंग को ब्लेंड कर लिया है, सिक्सटी की शेडिंग को ब्लेंड करते हैं सेम ब्रश से। ये भी ब्लेंड हो चुकी है। मैकेनिकल पेंसिल जो कि एच बी, जिसमें एच बी की लाइट थी, उसे ब्लेंड करते हैं। ये भी ब्लेंड हो गई है। चलिए रिजल्ट टेस्ट करते हैं। पहले शेडिंग के ऊपर हम टेस्ट करके देखेंगे। तो ये एच बी की शेडिंग है, मैकेनिकल पेंसिल से। इस पर बिल्कुल शार्प हाईलाइट अच्छे से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जूम कर लेता हूँ।
सेम हम सिक्योरिटी के साथ करते हैं। स्टिक शेडिंग पर भी अच्छे से हाईलाइट दे पाए हैं। अब टैन भी, टैन सबसे डार्क है, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, पर हो रहा है अच्छे से, देख सकते हैं। अब सेम हम ब्लेंडिंग की शेडिंग के साथ करते हैं। तो चलिए मेरे पास साउंड टेप वाला मोनो जीरो इरेज़र है, रेक्टेंगल टेप वाला भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसे बिल्कुल शार्प हाईलाइट्स आ रहे हैं। अब पेन भी ब्लेंड की इसको भी अच्छे से हाईलाइट्स हम दे पा रहे हैं, देख सकते हैं। ओवरऑल इरेजर तो बहुत अच्छा है, हाईलाइट्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा टाइम बचाए तो। अब इसकी रिफिल के बारे में बात करता है, तो इसकी एक रिफिल का पैक ऐसा होता है, इसके अंदर दो रिफिल आती है इस तरह की। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो मोनो जीरो इरेजर का प्राइस है 250 रुपीज़ और इस रिफिल का प्राइस है 100 रुपीज़। तो अगर आप इसे सिर्फ हाईलाइट्स के लिए यूज़ करें, आसपास दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं करें, इरेज करने के लिए यूज़ नहीं करें ज़्यादा, तो आपको आराम से एक रिफिल इसकी 3-4 रंग में काम आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।